नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे, ये जो आपको दिख रहा है मामूली सा राख, पर ये मामूली सा राख नहीं है, हमारे पौधों को जीवन देने वाला ये राख है और कई प्रकार से कीट पतंग को भगाने वाला ये हमारा राख है। और ये राख आपके घर में भी होता है, मानते हैं हम कि हर किसी के घर में गैस होता है। अब चूल्हा चौकी कोई नहीं करता है, ये हम भी नहीं करते हैं, पर हमारे घर में जो राख है ये हमारा, जो हम घर में गोइठा और धूप वगैरह जलाते हैं, भगवान जी को जो जलाते हैं, वो चीज़ से हम निकाले हैं और इसे इकट्ठा करके हम पौधों में ही डाल देते हैं। और उसका हम रिजल्ट आपको दिखाएंगे। जो हमारा पौधा था अच्छा से विकसित नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि अब मतलब नहीं रहेगा, और इसे डालने के बाद इतना अच्छा घना हो गया, उसका रिजल्ट पूरा दिखाएंगे आपको। तो आइए पहले इसे बताते हैं कि इसे कैसे इसका हम राख को निकालते हैं। हम आप लोग को ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि घर में कुछ भी निकले उसे वेस्ट ना करें, उसे आप सोना बना के अपने घर पे यानी अपने पौधों पर आप रख लेते हैं, तो आपको जो कीमती खाद या आप फर्टिलाइज़र बाहर का लिक्विड वगैरह जो खरीद कर लाते हैं, वो यही सब चीज़ से बनाया जाता है, कोई उसमें कोई ख़ास बात नहीं रहता है, और उससे ज़्यादा दमदार ये मेरा पौधा में काम करेगा। और जो ये आपको दिख रहा है ये भी हमारा काम करेगा, ये हमारा अच्छा से नहीं जला है, ये पानी में जाने के बाद और भी अच्छा ये हो जाएगा, ये पूरा गलने वाला है, एकदम लिक्विड होने वाला है। तो ये जो राख है हमारा ये पाउडर हो गया। अब ये पाउडर को हमें क्या करना है, जो आप कद्दू कोहड़ा लौकी झींगा वगैरह जो लगाए होंगे बरसात का सीज़न में, हर कोई लगाता है, जो मानते हैं हर घर घर में शौक़ होता है कि हम पौधा लगाएं, तो कुछ फरने वाला भी पौधा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो किसी किसी का कद्दू नहीं फरता, किसी किसी का खीरा ककड़ी नहीं फरता, तो ये चीज़ आप सोचेंगे कि क्या यह राख से फर जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों, ये राख आपको लिए ही राख लग रहा है, पर ये अनमोल चीज़ है, ये हमारा पौधा में इतना अच्छा काम करता है, इसे डालना कहाँ है। तो अभी पत्ते में कीड़ा लग रहा है, पत्ते में लाल लाल आप देखेंगे, पत्ते में लाल लाल एक फतंगी आता है जो पौधा का पत्ते खाने लगता है, तो उसके ऊपर आपको छिड़काव करना है। और छिड़काव कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है इसे पानी लेना है, और जिस भी पौधा में डाल रहे हैं तो ये हमारा पत्ती सूखा हुआ है, अब इसे क्या करना है, इसे पहले भिंजाना है, क्योंकि हमारा पत्ती चिपकना चाहिए, इसमें हमारा जो राख है इसमें चिपकना चाहिए, तो हम इसे अच्छे से भिंजा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से भिंजा दिए हैं, अब करना क्या है, या तो आप चलनी के मदद से इसके ऊपर छिड़काव कर लें, या अपने हाथ के ऊपर ऐसे रख के इस तरह आप छिड़काव कर सकते हैं, जो हमारा पत्ती में चिपक जाएगा, ये सारा हमारा पत्ती में चिपक जाएगा, तो इसमें जो कीड़ा है, जो ये अंडे दे दिया है या पतंगी छोटा छोटा है, तो इसका गंध और इसका करवाहटपन से भाग जाएगा। और अभी बरसात का सीज़न है, बरसात का सीज़न में अनेक प्रकार का कीड़ा होता है, तो इस तरह हम अभी डाले हैं, तो ये हमारा पत्ता भले गंदा लग रहा है, पर ये पानी पड़ने पर ये दो दिन रह जाए और पानी पड़ने बाद ये पत्ता धुल जाएगा, पर एक भी कीड़ा नहीं रहेगा और इसका विकसित बहुत ही अच्छा होगा। अब विकसित के लिए हम क्या करना है, तो ये जो मोटा मोटा हमारा है इसे क्या करना है, इसके जड़ में देना है इस तरह, जो हम कहते हैं कि मिट्टी हमारा जो चिकना रहता है, चिकना नहीं, कम से कम दाना टाइप का मिट्टी हमारा होना चाहिए, तो ये हमारा दाना टाइप का है, इसमें डाल दिए। और इसका जो गोइठा लकड़ी का जो मिश्रण है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही दमदार है, इस तरह का आप करें। अब हम रिजल्ट आपको दिखाते हैं, जो पौधा मेरा शुरू से हम थोड़ा छोटा में लगाए थे, अभी उसका पौधा हम दिखाते हैं कितना बढ़िया है और कितना मजबूत है। ये रहा हमारा सम्मी का पौधा,
ये रहा हमारा सम्मी का पौधा, और जो ये फूल वगैरह आप देख रहे हैं, ये फूल वगैरह जो है हम फेंकते नहीं हैं, इसके ऊपर डालते हुए जाते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, एंजाइम का काम करता है, यानी हमारा पौधा को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। और जो हम राख इसमें फेंकते जा रहे थे, ये राख देखें इसमें फेंकते जा रहे थे, तो इससे मेरा क्या हुआ कि जो मेरा सम्मी का पौधा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है इसका। इसका शुरुआत वाला भी वीडियो हम क्लिप में देंगे, पर कितना छोटा था और अभी देखिए कितना अच्छा घना हो गया। इसे हम खरीद कर लाए थे और अब देखिए इसका कितना अच्छा ग्रोथ है। हम मिट्टी में लगाए थे पर ग्रोथ नहीं हो रहा था, और ये केवल गोइठे का राख से अच्छा ये विकसित हुआ है, और अच्छा इसका जितना भी पत्ता घर वाले लोग भी चढ़ाते हैं तो कमी नहीं होता इस तरह सम्मी में। तो यदि आपके घर में भी सम्मी में या कोई भी पौधा अच्छा से खिल नहीं रहा है, अच्छा से फूल नहीं दे रहा है, तो यदि आप भभूति घर में दिखाते हैं, गोइठा दिखाते हैं, यानी कि धूप वगैरह दिखाते हैं, तो उसका आप राख फेंके ना, उसे रखते जाएँ, स्टोर करते जाएँ और पौधे में ही देना। ऐसे तो कहते हैं कि तालाब में फेंकना है, तो हम अपने पौधों में दे देते हैं तो हमारा पौधा में जान भी हो जाएगा, और पौधा में हम पानी वगैरह देते हैं तो ये ठंडा भी रहेगा। तो इस तरह का यदि आप फूल घर में चढ़ाते हैं तो फूल भी आप पौधा में दे सकते हैं, ये एंजाइम का काम करेगा, और ये धीरे धीरे हमारा गल के ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने घर में पौधों में लाभ उठा सकते हैं। यदि और भभूति आप अपने घर में हमेशा चलाएं शाम के शाम, जो कहता है संस बरकत होता है गोइठा दिखाने से, यानी कि गोइठा में हमारा लक्ष्मी का वास होता है, तो इस तरह अपने घर पर भी आप गोइठा वगैरह दिखा सकते हैं। हम दिखाते हैं तो आप लोग भी दिखाएं। तो इस तरह का जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।